दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांस, आप सभी का स्वागत करता हूं कटो वैन के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने थंबनेल से तो गैस कर ही लिया होगा कि हम लोग यहां पे किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं पूरा कंटेंट ढूंढ रहा था कि एक्चुअली में इसके साथ हुआ क्या, क्या क्या चीज़ें हुई हैं बिटमैक्स के साथ, क्योंकि जब मैं आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट टेक्स्ट कर दूंगा तो शायद आपको लगेगा कि ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी था कि मेनली क्या चीज़ें हुई हैं और आपको यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्लस आपके मेल्स भी आ रहे थे, आपके टेलीग्राम पे पीएम्स भी आ रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको आज मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो जिनके भी बिटमैक्स पे अकाउंट है वो यहाँ पे समझ सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है और अब उनको आगे यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या लेने हैं। तो ये डेफिनेटली मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये एक इमेज है, फिलहाल में जो डेटा है यहाँ से हट गया है। तो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर bitmax.com के ऊपर ये उनका ट्विटर हैंडल का एक पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक योर BTC एंड रन, लास्ट डे फॉर विड्रॉल, ये किसी ने पोस्ट करा एंड उसके बाद पोस्ट करा उससे पहले पोस्ट करा BTC हैक्ड और उसके बाद फिर ये आया। तो ये चीज़ यहाँ पे बताती है कि जो बिटमैक्स का ट्विटर अकाउंट था वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। इसके साथ दोस्तों, यही सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ, प्लस सभी लोगों के पास कुछ इस तरीके का मेल भी यहाँ पे आया, जहाँ पे लिखा था कि 22 नवंबर को जो बिटमैक्स है वो अपने इंडेक्सेस के अंदर कुछ अपग्रेड्स करने वाला है 2019 में जो आने वाला नवंबर है, तो उसके कारण जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है और जो API का प्रॉब्लम है। तो अभी जो इनके जो इंडेक्सेस हैं वो जो अफेक्ट हुए वो है .bxbt, BET, मतलब बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि ऑलरेडी आप इस वाले पार्ट में यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले पार्ट में। तो ये कुछ इंडेक्सेस है जो कि यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं और इनका इफेक्ट होने का रीज़न सीधा सीधा ये है कि जो बिटमैक्स है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको हाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी यूज़र्स का डेटा था, यानी कि जितने भी यूज़र्स का ईमेल था, वो सब इन लाइंस के अंदर यहाँ पे आ गया है। इवन मेरा भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्योंकि मेरे पास ये मेल आया है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेप लेना ज़रूरी था। तो इस तरीके के ईमेल आपके पास होंगे, अगर आपको ये ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं मिलते हैं तो आप स्पैम फोल्डर में जाइए, वहाँ पे होगा, क्योंकि मुझे भी वहीं मिला। क्योंकि जब क्या होता है, ऐसे बल्क मेल कोई भेजता है किसी को तो वो एक्चुअली उसको स्पैम में डाल देता है। तो स्पैम में डालने के चक्कर में क्या होता है कि वो आपका स्पैम में चले जाता है और आपको इनबॉक्स में नहीं दिखता है। तो आप लोग स्पैम में जाइए, चेक करिए कहीं आपके साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है सारे ही अकाउंट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं बिटमैक्स के अंदर। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। और अगर इनके ट्विटर अकाउंट की बात करें तो फिलहाल में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मतलब कह सकते हैं कि अश्योरेंस दिया है कि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं जो हमें किसी ने ट्रॉल करने की कोशिश करी है, जो ट्विटर अकाउंट था, वो भी फंड आप लोगों के सेफ हैं। तो ऑलरेडी फंड सेफ है, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये हुई है कि आपके जो ईमेल एड्रेसेस थे वो सभी के ईमेल एड्रेसेस के साथ यहाँ पे सबको फॉरवर्ड हो गए हैं। यानी कि अगर ये किसी हैकर के हाथ में लग जाता है तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका अकाउंट इस ईमेल से किसी और एक्सचेंज पे है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है और वो लोग यहाँ पे ट्राई कुछ ना कुछ करके उसको खोलने पिलने का कर सकते हैं। हालांकि ईमेल से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऐसा कैसे हो गया। अगर बिटमैक्स आज तक कभी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम नहीं हुई और वापस से ऐसी कुछ चीज़ हो जाना, एकदम शॉकिंग वाला रिएक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि ईमेल के कुछ प्राइवेसी इंपैक्ट्स हुए हैं, हमारे कस्टमर का डेटा यहाँ पे सबको वायरल हो गया है। वी हैव आइडेंटिफाइड द रूट कॉज, हम लोग इस चीज़ का रूट कॉज देख रहे हैं और टच करके कि जो अफेक्ट था सिस्टम में वो क्या इशू आया या फिर क्या नहीं था। बाकी अगर आप इनके ब्लॉग पोस्ट पे जाते हो, जो कि आई थॉट ये होना चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग अवेयर है कि जो हमारा यूज़र्स का डेटा था वो रिसीव हुआ है जनरल ईमेल्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो कि ईमेल एड्रेस कंटेन करता है दूसरे यूज़र्स के। हमारी टीम इसके ऊपर इमीडिएटली देख रही है कि इशू क्या है और स्टेप जो है उसको अंडरस्टैंड भी कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक ये चीज़ हो चुकी है, अब इसका कुछ रिवर्ट भी नहीं करा जा सकता,
और इसका बस ये है कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करा जा रहा है और अफेक्ट क्या था इशू उसको देख रहे हैं। अब हमारी जो प्राइवेसी वो सबसे टॉप पे होने वाली है और सॉरी फॉर द कंसर्न ऑफ द कॉस्ट टू द यूज़र। तो फिलहाल मैं शुक्र है कि सिर्फ ईमेल आईडी निकली है, कोई और डेटा नहीं निकला लोगों का, वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन इस तरह की मिस्टेक होना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। इसके साथ दोस्तों बाइनेंस ने यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया कि यहाँ पर एक एक्सचेंज उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसमें क्या है कि यूजर्स का डेटा कुछ बड़े स्केल पे लीक हुआ है। तो इन्होंने कुछ अपनी तरफ से नोटिफिकेशन दिए कि कैसे आप बाइनेंस के अकाउंट पे आप सेव कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपका ईमेल सेम है वहाँ पे और यहाँ पे, तो आपका जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, या फिर कोई हैकर या कोई ना कुछ उसको ट्राई कर सकता है। तो इन्होंने सिंपल बताया कि प्लीज़ ये चीज़ नोट करें अपनी तरफ से कि अगर आपको ईमेल यहाँ पे चेंज करना है तो आपके अकाउंट में दो चीज़ें यहाँ पे मीटअप करना चाहिए। पहला है यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर अगर आपने लगाया है तो, और अगर आपने इसको लॉस कर दिया है और आपने कोई भी अकाउंट को यहाँ पे लॉस नहीं करा है, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, इन्होंने यहाँ पे इमेज में भी समझाया, आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाके यहाँ पे चेंज ईमेल होता है, वहाँ पे जाके आप चेंज ईमेल करेंगे, डायरेक्टली आपका चेंज ईमेल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, वहाँ पे आपको उसको कन्फर्म करना होगा, और जैसे आप उसको कन्फर्म कर देंगे अपने एंटी फिशिंग कोड के साथ, वहाँ पे आप अपना लॉगिन करके नया ईमेल डाल के यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। नया पासवर्ड भी आप उसके अंदर क्रिएट कर लीजिए, नया 2FA क्रिएट कर लीजिए, और ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको एक एप्लीकेशन या टिकट इनको सबमिट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये बताएं कि यस आप इस तरीके से टिकट सबमिट कर दीजिए अगर आप अपना आईडी पासवर्ड कुछ भूल गए तो, ताकि उसको नया आईडी पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ क्या हुई है कि यहाँ पे अगर आपका आईडी सेम था और आपके पास ये मैसेज आया है बिटमैक्स से, तो डेफिनेटली आपको बाइनेंस पे जाके भी अपना अकाउंट चेंज करना चाहिए। बाइनेंस ही नहीं, बाकी सब पे भी जाके आप चीज़ें करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपका वो अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और आपकी जो और ज़्यादा डिटेल्स हैं वो यहाँ पे निकल जाए। फिलहाल में बाइनेंस थोड़ा सा सिक्योर हो गया पिछले बार जो हैक हुआ था उससे, लेकिन कोई भी चीज़ को यहाँ पे गारंटी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो कि बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया जी के ट्विटर हैंडल ने बताया, तो शाउट आउट करें इनको कि यहाँ पे बिटमैक्स के बारे में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि लीक डेटा के बारे में कुछ गुड न्यूज़ करके, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसा अगर कोई ईमेल आ रहा है तो उनको आप फोकस मत करो। आप जो अभी आपको प्रोसेस बताई गई है या फिर जो मेन अकाउंट आपको प्रोसेस बता रहा है आपसे उनको फॉलो करो। यहाँ पे आप देखोगे तो बिट्रेक्स ने भी अभी अभी सॉरी बिट्रेक्स का शायद यहाँ पे चला गया है, तो ये वाला होगा। तो बिट्रेक्स ने भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है कि अगर हमें आपको प्रोटेक्ट करना तो उसकी इजी स्टेप्स यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले तो अपना डेटा कहीं पे भी शेयर ना करें, स्मार्ट रहे, पासवर्ड के साथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगा के रखें और अपने अकाउंट को मॉनिटर यहाँ पे करते रहें। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको देखना होगा। अब इसके सॉल्यूशंस आप पूछोगे कि क्या है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो दोस्तों ये है कि आपको अपना कोई भी फंड, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी का फंड एक्सचेंज पे नहीं रखना है, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी हैक हो सकता है, आपकी डिटेल आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। इसका सबसे सेफ तरीका है कि आप जाइए और एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए। मैं आपको बहुत वाली वीडियो से बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, लेजर नैनो एस आप लोगे 5,500 के आसपास आ जाएगा इंडिया में, लेजर नैनो एक्स 12,000 के आसपास आता है। तो अगर महंगा नहीं चाहिए तो सस्ता ले लो, अपडेट्स दोनों में प्रॉपर आती हैं, तो कोई भी आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होने वाला है। और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं जल्दी एक वीडियो आपको लाके पब्लिश कर दूंगा, तो आपको भी वो चीज़ समझ आ जाएंगी। लेकिन यही एक तरीका है कि आपको यहाँ पर सेफ रहना होगा। आपके पास दूसरा तरीका भी है और वो है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर वॉलेट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे पब्लिश करनी थी 2 नवंबर की सुबह, जो कि मैं 7:30 बजे करता हूँ, जहाँ पे कि मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट का पूरा बताया कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप उसके अंदर अपने फंड को सिक्योर रख सकते हो अपनी प्राइवेट की के साथ। लेकिन आज ये वीडियो अपलोड होगा उसकी जगह, तो वो वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, तो डेफिनेटली उसका आप वेट यहाँ पे कर लीजिएगा। तो फिलहाल में दोस्तों मैं मेरे अकाउंट में जाऊँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इसमें से पूरा फंड विड्रॉल कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि बहुत नॉमिनल सा फंड पड़ा है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि अब इसका डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा अगर इस एक्सचेंज में मुझे फंड भी डालना है। इसकी वजह दोस्तों मैं बायबिट के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ, तो अगर आप अभी तक आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, जाके बायबिट पर बना लीजिए। फिलहाल में बहुत ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे चल रहा है, तो लेट्स सी कि अगर उसके साथ ऐसा ना कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अभी तक सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों के मामले में वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर निकल के आया, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये न्यूज़ पूरी तरफ फैल गई थी, जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो,
कि बिटमैक्स का डेटा लीक हो गया था। हालांकि यहाँ पे तो कुछ 30,000 ईमेल की बात करी गई है, लेकिन इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि न्यूज़ में कभी भी आपको एक प्रॉपर वो नहीं मिलता है आंकड़ा कि कितना क्या होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पे अवेयर रहिएगा। साथ ही दोस्तों एक और बुरी खबर ये आई थी कि जो डेरिवेट एक्सचेंज है, डेरिवेट एक्सचेंज में एक फ्लैश क्रैश हुआ और यहाँ पर जो प्राइस था वो 1,700 डॉलर के करीबन करीबन यहाँ पर गिर गया था। तो इनका चार्ट तो नहीं दिया इन्होंने इस न्यूज़ में, लेकिन यहाँ पर बताया कि फ्लैश क्रैश हुई एक ही कैंडल के अंदर 7,700, यानी कि अभी अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं प्राइस को, तो प्राइस कुछ 9,000 के आसपास था और वो क्रैश होकर 7,700 तक आ गया था, जो कि आप ये वाला लेवल एक देख सकते हो। तो ये दोस्तों डेरिवेटिव एक्सचेंज हुआ है और इन्होंने कहा कि जो भी पैसा यहाँ पे लूज़ हुआ है, जैसे कि 1.3 मिलियन डॉलर का, वो हम अपने पास से पे करेंगे। तो ये अच्छा है कि एक्सचेंज ने बोल दिया, नहीं तो पोलोनिक्स और बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे होते हैं कि जो पैसा लेके बाद में बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये पैसा कब तक इनको रिटर्न मिलता है वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन एक्सचेंज ने कहा है तो एटलीस्ट लोगों को ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बना रहेगा। और ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, सिर्फ उतना ही फंड रखें जितना आपको ट्रेड करना हो या फिर जितना आप लूज़ करने के लिए यहाँ पे तैयार हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फंड रखते हो तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हार्डवेयर वॉलेट आप खरीद के उसकी प्राइवेट की अपने पास संभाल के रखें तो ये ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है। सो आप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें, दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो प्लीज़ चाहिए सबके साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी यहाँ पे अवेयर यहाँ पे हो सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।